Just I'm making burger bread, roasting burger bread. तो ये है दूधी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है और ब्रेड मैं ऐसे खा लेती हूँ कई बार क्योंकि मुझे दूधी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लौकी की सब्ज़ी है ना। आई यू विल वंडर दूधी की सब्ज़ी है लेकिन इतनी टेस्टी बनी है और आप मेरी मेथड से बनाओगे और खाओगे ना तो हमेशा बोलोगे कि इस तरीके से बनाइए और खाइए। मैं तो ब्रेड के साथ भी खा लेती हूँ। सो अगेन जो मेरा नायका से पार्सल मंगवाया था वो आ गया है। सो मुझे थोड़ा सा क्या मैं घर पे कैश इतनी रखती नहीं हूँ क्योंकि वो खर्च हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैसे घर पे रखने के बाद वो कुछ ना कुछ खर्च हो जाते हैं तो मैं जैसे ऑर्डर आता है तो फिर एटीएम से पैसे निकालती हूँ और ऑर्डर के लिए पैसे दे देती हूँ क्योंकि वो ऑर्डर के लिए स्पेशली अकाउंट में जमा किए हुए पैसे रहते हैं तो वो दूसरे तीसरे चीज़ों के खर्च नहीं करने होते मुझे, इसलिए मैं वो अकाउंट में रख देती हूँ। जब पार्सल आ जाता है वो रिव्यू पर्पज़ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैं मंगवाती ही हूँ नायका से पर्पल से तो इसलिए आता रहता है। तो अभी अभी एक पार्सल आया है पर्पल से नायका से तो चलो मैं एटीएम में जाके पैसे निकाल के आती हूँ। सो अगेन जो मेरा नायका से पार्सल मंगवाया था वो आ गया है। सो मुझे थोड़ा सा क्या मैं घर पे कैश इतनी रखती नहीं हूँ क्योंकि वो खर्च हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैसे घर पे रखने के बाद वो कुछ ना कुछ खर्च हो जाते हैं तो मैं जैसे ऑर्डर आता है तो फिर एटीएम से पैसे निकालती हूँ और ऑर्डर के लिए पैसे दे देती हूँ क्योंकि वो ऑर्डर के लिए स्पेशली अकाउंट में जमा किए हुए पैसे रहते हैं तो वो दूसरे तीसरे चीज़ों के खर्च नहीं करने होते मुझे, इसलिए मैं वो अकाउंट में रख देती हूँ। जब पार्सल आ जाता है वो रिव्यू पर्पज़ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैं मंगवाती ही हूँ नायका से पर्पल से तो इसलिए आता रहता है। तो अभी अभी एक पार्सल आया है पर्पल से नायका से एटीएम में जाके पैसे निकाल के आती हूँ। तो यस मुझे अभी अभी नायका से जो प्रोडक्ट मिलना था वो मिल गया है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। सो मैं घर पे जाके आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या मंगवाया है। कुछ नहीं, मैंने जस्ट हाउस होल्ड चीज़ें ही मंगवाई है कुछ क्योंकि शैम्पूज़ वगैरह जो हमें रोज़ की लगते हैं वही थिंग्स मैंने मंगवाए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ घर पे जाके, ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया है। सो यस मुझे मिल गया ये 570 रुपीज़ को मैंने लिया है और टोटल जो सब कुछ सामान है वो, तो इसमें क्या क्या मंगवाया है वो दिखा देती हूँ मैं आपको घर पे जाके। तो चलो मिलते हैं घर पे जाने के बाद। अरे ये है हमारी सोसाइटी। तो मैं अभी घर पे पहुँच चुकी हूँ और
और जैसे कि ये देख सकते मेरा पार्सल। सो ये है मेरा पार्सल। और अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन की सिस्टम की वजह से मैं घर पे एक शैम्पू भी लाना होना तो मैं ऑनलाइन परचेस करती हूँ, क्योंकि वो फैसिलिटी अच्छी रहती है। यानी हम इन्वेंट्री लिस्ट बना के रख सकते हैं और ऑर्डर हमारे अकाउंट में जब हमें बैलेंस रहेगा, मालूम है कि अकाउंट में बैलेंस है, तब हम अकाउंट में बैलेंस होने के दिन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस रहता है, यानी हमारी इन्वेंट्री लिस्ट और अकाउंट में बैलेंस दोनों भी देख के मैं ये ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। छोटी सी छोटी चीज़ भी लगे तो भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ, यानी मेडिसिंस तक मैं अभी ऑनलाइन से परचेस करती हूँ, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। और कभी कभी देखिए आप बिग बाज़ार में वगैरह हम जाते हैं तो उसमें जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो हमें कभी कभी जस्ट एक चीज़ लेनी होती है, और वो सुपरमार्केट में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें और परचेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। यानी बिल जो रहता है वो 100 रुपीज़ की चीज़ लेने के लिए जाते हैं और 1,000-3,000 तक हम परचेस करके आ जाते हैं, तो ये हमेशा हमारे साथ होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यही अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन पे इन्वेंट्री लिस्ट बनाओ तो थोड़ी सी सेविंग भी हो जाएगी, अदरवाइज़ अकाउंट में से बैलेंस धड़ाधड़। सुपरमार्केट में एक बार जाओ आप तो बैलेंस उड़ता ही उड़ता है। तो इस वजह से मैं इसी सिस्टम्स को अभी फॉलो कर रही हूँ। मैंने इस बार सब्ज़ी भी जो है वो मंगवाई यहाँ से बिग बास्केट से, तो वो भी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा कॉस्टली लेकिन हमारे ज़रूरत के अनुसार हम सब्ज़ियाँ मंगवा सकते हैं। सब्ज़ी मार्केट में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी जो चीज़ें हमें नहीं लगती वो भी लेके आते हैं हम, तो ऐसे नहीं, लेकिन मैंने इस बार बिग बास्केट से सब्ज़ी मंगवाई है और अभी छोटी छोटी चीज़ें भी मैं इसी से मंगवाती हूँ, ऑनलाइन से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि ये रीज़न है। हम बोलते हैं कि हम 100 रुपये की चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपये कभी भी नहीं होते, वो बढ़ता ही है, बजट बढ़ता ही है। तो अभी हमने क्या किया, अभी कैंप में जा रहे थे परसों, तो हमने भी उसी टाइम भी डिसाइड कर लिया था कि हमें जस्ट वो दो पजामाज लेने हैं, तो उतना ही ले लिया और वापस आए, अदरवाइज़ वो शॉपिंग बढ़ती बढ़ती जाती है और उसका ढेर इतना जमा हो जाता है घर पे, तो वो सब मेसअप कम करने के लिए मैंने ये तरीका जो है वो अपनाया है, ऑनलाइन शॉपिंग। अभी देखिए इसमें क्या क्या मैंने मंगवाया है। सो दिस डेज मैं ये, हाँ एक बीच में मैं ये बता देती हूँ, दिस डेज मैं ये बायोटिन की जो है वो टैबलेट्स ले रही हूँ फॉर हेयर लॉस का, जिनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए है ये। मुझे मालूम नहीं है मैंने शेयर की है या नहीं आपके साथ चीज़। और यहाँ पे देखिए दोपहर के 1 से 4 बजे तक सोना चालू रहता है उनका। और अब तो वो सोती है, यानी उस टाइम को वो सोती है, राइट। तो ये देखिए ये टैबलेट्स मैंने दिखाई, यस अभी मैं नायका का पार्सल खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाया है।
ये है फेशियल का किट, एंटी टैन फेशियल किट। ये VLCC का फेशियल किट है, ये मैंने मंगवाया है नायका से। ये मुझे मिला है, ये फाइव फेशियल का किट है, यानी इससे आप 5 फेशियल्स कर सकते हैं। तो ये मुझे मिला है 400 रुपीज़ को ये फेशियल किट है। देन मैंने एक रोज़ वाटर की बॉटल मंगवाई है, एक छोटी सी, ये मुझे 16 रुपीज़ को मिली है। देन मैंने ये एक रिव्यू पर्पज से लाया हुआ शैम्पू है, पैंटीन का शैम्पू लाया है मैंने, तो मैं इसे यूज़ करके आपको बताऊंगी कि शैम्पू कैसा है। देन ये कंडीशनर मंगवाया है, उसी का पैंटीन का ही कंडीशनर मंगवाया है। और ये एक ऑयल रिप्लेसमेंट फॉर्मूला मंगवाया है, ये देखिए। तो ये आप ऑयलिंग करते हैं तो उसके बजाय आप ये थेरेपी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हेयर्स, यानी ऑयलिंग के बजाय ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई है, ये देखिए। तो मैंने ये एक फेशियल किट, दो देन ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए ये क्या है, क्रीमी फॉर्म, पावर ऑफ नरिशिंग ऑयल्स इन अ क्रीमी फॉर्म, ये एक मंगवाया है। ये है शैम्पू, ये है कंडीशनर एंड रोज़ वाटर। सो इतनी चीज़ें मैंने मंगवाई है। यस, तो अभी खाना पीना हो चुका है और मेरा फ्लोर क्लीनिंग वो जो रूटीन रहता है वो भी हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो मेरा अभी एक छोटा सा रूटीन मैंने सेट किया है, मैं सुबह उठती हूँ, अभी इतनी जल्दी नहीं उठती, जब रुचा की स्कूल रहती थी तो बहुत जल्दी मुझे उठ के सब काम करके जाना पड़ता था, फिर जॉब को जाती थी। तो अभी उठती हूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ और उसके बाद मेरा क्लीनिंग वगैरह करके खाना बनाती हूँ। अभी ये देखिए, ये 1 से 4 बजे तक मेरे ये सब काम रहते हैं, ये बैंक के काम या फिर ये कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स है वो मैं जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लेने के लिए जाती हूँ। फिर 4 बजे के बाद फिर से चाय, मैं ग्रीन टी लेती हूँ या फिर नॉर्मल टी अभी लेती हूँ, तो चाय वगैरह हो जाता है। और फिर रात को खाना, रात को अभी वर्कआउट जनरली होता नहीं मेरा, सुबह ही वर्कआउट होता है अभी, और हम घूमने को जाते हैं फिर शाम को, यानी मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ, यानी हफ्ते में 2-3 बार मैं घूमने के लिए जाती हूँ फिर हम। बस दैट इज़ द रूटीन, और थोड़ा थोड़ा ऐसे रूटीन मैंने सेट किया है अभी, तो इस वजह से क्या होगा, थोड़ा बैलेंस रहेगा, यानी घर पे भी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह सब रहेगा, और फिर शाम को थोड़ा घूम फिर के भी आएंगे हम। तो इस तरीके से अभी रूटीन चल रहा है, देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। तो चलो मैं ख़त्म करती हूँ इस व्लॉग को यहाँ पे ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो। लव यू ऑल, बाय बाय।